हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज में हम बनाएंगे बप्पा मांगे मोर मोदक। जी हाँ, मोदक गणेश जी को बहुत पसंद होते हैं। मोदक हम कई प्रकार से बनाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही इजी और टेस्टी मोदक बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मोदक के आउटर लेयर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप रवा, 1/2 कप मैदा, घर का शुद्ध देसी घी लिया है और थोड़ा सा दूध हमें चाहिए। मोदक बनाने के लिए इसका आउटर लेयर बना रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप एकदम बारीक रवा लिया है मैंने, सूजी जिसको कहते हैं, इसको हम मैंने छान के लिया हुआ है नीचे का बारीक रवा। और उसके साथ में हम लेंगे 1/2 कप मैदा। रवा मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है कि रवा से इसका टेक्स्चर एकदम क्रिस्पी रहेगा बाहर के आउटर लेयर और फर्म टेक्स्चर रहेगा। एक दो दिन रखे रहेंगे मोदक तो भी ये इस तरह से सॉगी नहीं होंगे, एकदम फर्म इसका टेक्स्चर रहेगा। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, 1 कप रवा, 1/2 कप मैदा। अब हम इसमें थोड़ा सा घी को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है, मेल्ट कर लिया है, इसमें हम घी का मोयन डालेंगे, ऑलमोस्ट 2-2.5 चम्मच घी का मोयन इसमें देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा गर्म है, सावधानी पूर्वक हम इसको अच्छी तरह क्रम्बल टेक्स्चर आने तक मिक्स करेंगे। ये घी का मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मोयन थोड़ा सा ज़्यादा 2.5 चम्मच, बड़े 2.5 चम्मच लिया है मैंने इसलिए, जिससे कि ये क्रिस्पी रहेंगे और 2-3 दिन तक हमारा प्रसाद मोदक का रखा रहे तो भी ये क्रिस्पी रहेंगे, कड़क नहीं होंगे एकदम। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसको गूंथना है, हमें कड़क ही गूंथना है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं, मीडियम, ये क्योंकि इसमें ये रवा थोड़ा फूल जाएगा। तो हम दूध डालते जाएंगे और थोड़ा इसको गूंथते जाएंगे। ये मैंने दूध से रवा और मैदा अच्छी तरह गूंथ लिया है, ऑलमोस्ट 1/2 कप दूध मुझे इसे गूंथने में लगा है। अब ये इसको हमें 1/2 घंटा रेस्ट देना है। ये यदि फूल जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालकर इसका टेक्सचर मेंटेन कर सकते हैं। दूध की जगह हम पानी भी ले सकते हैं, पर दूध लेने से ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा क्रिस्पी रहेगा मोदक का। अब हम इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब मोदक का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, खोपरा बूरा, और 1/2 कप मैंने लिया है नारियल का, सूखा नारियल का गोला ग्रेट करके लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, हरी इलायची को भी पीस कर बारीक करना है, और हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच खसखस या पोस्ता दाना, 1/2 कप फीका मावा लिया है और 1/2 कप मैंने बारीक पीसी हुई शक्कर ली है। सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन को गर्म किया है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच खसखस, इसको हम हल्का सा इस तरह से भून लेना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेडिश कलर आ जाएगा और इसकी खुशबू भी आने लगेगी। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर इस तरह से रोस्ट करना है। इसको खसखस पोस्ता दाना या पॉपी सीड्स भी कहते हैं, इसे रोस्ट करने से और इसके बाद इसको हम ठंडा करके थोड़ा दरदरा क्रश करेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा इन्हेंस होता है, इसलिए हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। इसका पिंक कलर हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और ये मैंने 1/2 कप खोपरा गोला ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो खाली डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, पर स्वाद बढ़ाने के लिए मैं 1/2 कप ये भी ग्रेट करके डाल रही हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा 1/2 मिनट के लिए कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं। खोपरे को भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा मावा भुनेंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। मावे को भी मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है, इसका मॉइस्चर थोड़ा निकल गया है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। अभी हमारा मावा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप और ग्रेटेड कोकोनट। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर आप
आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ये इलायची को शुगर के साथ पीस लिया है बारीक, हरी इलायची, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आएगी। और अब ये मैंने खसखस पोस्ता दाना, जिसको पॉपी सीड, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और इसको मैंने मिक्सर में बारीक पीस लिया है। एकदम बारीक तो नहीं है, हल्का हल्का सा दरदरा क्रश किया है। अब इसको हम इसमें मिला देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसको रोस्ट करने से, और इस तरह क्रश कर देते हैं तो इसकी खुशबू इनहेंस हो जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग को हम इस तरह से ड्राई भी भर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ये, और या तो फिर हम इस तरह थोड़ा सा दूध इस तरह से डाल दें, एक आध चम्मच मिक्स कर दें, और इसको हम मॉइस्ट कर लेते हैं दूध से। इस तरह से दूध का हाथ लगाकर ये स्टफिंग मॉइस्ट हो गया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने स्टफिंग को भी मॉइस्ट होने के लिए रख दिया है, और अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अब आधा घंटा हो गया है, हमारा रवा और मैदे का डो भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। यदि आपके पास रवा मोटा है तो आप उसको थोड़ा सा पापड़ का हम आटा कूटते इस तरह से कूट भी सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इस तरह से हमें छोटी छोटी लोई बनानी है। अब हम एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। मीडियम थिक बेलना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं रखना है हमें इसे। इस तरह से हमने बेल लिया छोटी पूरी की तरह। अब इसको हम हाथ पर ले लेंगे और एक स्टफिंग का बॉल लेंगे, बीच में रखना है हमें सेंटर में, और इसको चारों तरफ से इस तरह से चुन्नट ले लेंगे। और अब हम इसको सेंटर में बंद कर देंगे सबको, और ये इस तरह से ये हमारा मोदक रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह से दूसरी भी छोटी पूरी की तरह बेल लिया है, और इसको हाथ पर ले लेना है। इसमें बीच में सेंटर में हमें एक बॉल्स रखना है, और इस तरह से इसकी चुन्नट्स लेनी है, प्लेट्स बनानी है, और फिर सबको सेंटर में, बॉल्स को थोड़ा नीचे दबाते जाएंगे अंगूठे से, और सेंटर में इसको इस तरह से सील कर देंगे ऊपर से, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी आ जाता है। आपके पास मोल्ड है मोदक का साचा तो आप उससे भी बना सकते हैं, या इस तरह से घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे सारे मोदक रेडी है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अभी हमारा घी गरम हो गया है मोदक तलने के लिए। आप घी की जगह ऑर्डरलेस ऑयल ले सकते हैं जिसमें कि स्मेल ना हो, जैसे कि हम सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं या सोयाबीन का तेल ले सकते हैं। मूंगफली का तेल और सरसों का तेल तलने के लिए नहीं लेना चाहिए। अब ये घी गरम है, गरम घी में मैं मोदक डाल रही हूँ डीप फ्राई करने के लिए। हम इसको इस तरह से टर्न करते जाएंगे जिससे कि ये सब दूर से हल्का सा पिंक कलर आ जाए इसमें, ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन पिंक कलर आ जाए कि अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं सबको निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम सारे मोदक तल लेंगे। ये मैंने सारे मोदक तल लिए हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारे प्रसाद के लिए मोदक रेडी है।
मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।